हे hey दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिन नंबर के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि 21 डिजिट का होता है। इस 21 डिजिट के नंबर से आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कंपनी का इंडस्ट्रियल कोड क्या है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किस स्टेट में है, उसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। इसको रिलायंस इंडस्ट्री के सिन नंबर के एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का सिन नंबर पहला लेटर देखें तो वो एल है, यानी कि कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अगर यू होता तो इसका मतलब ये था कि कंपनी अनलिस्टेड है। जो उसका अगला नंबर है 17110, वो ये बताता है कि उसका इंडस्ट्रियल कोड क्या है, किस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है। MH उसका स्टेट बताता है कि कहाँ पर उसका रजिस्टर ऑफिस है, यानी कि मुंबई में उसका रजिस्टर ऑफिस है। 1973 उसका ईयर बताता है कि कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। PLC ये बताता है कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और लास्ट का नंबर कंपनी का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है।